When you want something, all the universe conspires to help you achieve it. The Alchemist. कहानी शुरू होता है एक ऐसे सीन से जहाँ पे सैंटियागो एक पुराने चर्च जिसका छत भी नहीं है, सही से सुनिएगा, लास्ट में ये जरूरी है कि एक पुराने चर्च जिसका छत भी टूटा हुआ है, वहाँ एक पेड़ के पास सारे भेड़ों को जो है इकट्ठा करके अपने जैकेट से थोड़ा जमीन साफ करके और फिर अपने बुक को ही अपना तकिया बना के वो वहां पे सो जाते। सुबह उठते हैं तो उनको ख्याल आता है कि दोबारा से वही सपना देखा। अब आते हैं सपने पे। अब बॉय जो एक जगह पहुंचने वाले होते हैं जिसका नाम है तरीफा, ठीक है, और तरीफा में उन्होंने सुना कि एक बुजुर्ग महिला है जो ड्रीम्स का इंटरप्रेट करती है। उतने देर में बात हो जाता है सपने के बारे में और वो कहने लगता है कि आई ड्रीम्ड, मेरे को एक सपना आया जिसके बारे में मैं बात करने आया हूँ। तो महिला बोलती है ठीक है जल्दी जल्दी बोलो, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, तो अपना सपना बताने लगता है कि वो भेड़ चढ़ा रहे हो। उतने देर में वहां एक बच्ची आई, वो बच्ची मेरे दोनों हाथों को पकड़ के मुझे लेके जाती है इजिप्ट के पिरामिड के पास। इजिप्ट के पिरामिड में वो मुझे एग्जैक्टली वो जगह बताने ही वाली होती है कि यहाँ मिलेगा तुम्हें तुम्हारा खजाना, कि उस समय मैं जो है उठ जाता हूँ और वो एग्जैक्ट जगह मैं नहीं कर पता कर पाता हूँ। तो इसमें वो ओल्ड लेडी बोलती है कि देखो अगर बच्ची ने कहा है तो फिर तुम्हें तुम्हारा खजाना मिलेगा। तो भाई साहब पूछते कि कहाँ मिलेगा, बोले पिरामिड के पास मिलेगा। वहां से निकल के बाहर फिर एक जगह में वो वाइन पी रहे होते हैं। जब वो वाइन पी रहे होते हैं तो एक बुजुर्ग इंसान आके पूछते हैं कि मैं आए, तो बोला कि चलो ठीक है दो घूंट पिला देता हूँ। उस ओल्ड मैन ने सैंटियागो को दो पत्थर दिए, एक उरीम एक थुमीम, और कहा कि जो ब्लैक स्टोन है वो यस है, जो व्हाइट स्टोन है वो नो है। और इस तरीके से दुनिया में और बहुत सारे सिग्नल्स है, बहुत सारे ओमेंस है, द यूनिवर्स एंड द सोल ऑफ द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, क्योंकि तुम जो है अपना डेस्टिनी ढूंढने निकलो, तो उन सिग्नल्स को पहचानो, उन बातों को पहचानो और डिसीजन अपने हिसाब से लो। ये दिया है तुमको पर डिसीजन हमेशा अपने हिसाब से लो। अफ्रीका पहुंचने के बाद वो एक जैसे कैफे में जाके वो बैठ जाता है, वहां वो सोचेंगे कि वाइन पियेंगे करके, लेकिन वहां पे वाइन मिलता ही नहीं है, हर कोई जो है एक अलग भाषा बोलते हुए वो उनको नजर आता है। मीनवाइल उनके पास एक नौजवान आता है एंड दैट पर्सन स्पीक्स इन स्पेनिश। तो दिस आवर बॉय सैंटियागो ही थिंक्स कि अच्छा आप स्पेनिश में बात करते हो। मीनवाइल उसने बातों बातों में बात भी किया कि जो है मेरे को पिरामिड्स में जाना है। सो दैट स्पेनिश स्पीकिंग मैन ही आस्क्ड कि अच्छा उसके लिए तो पैसे लगेंगे, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो जितना भी पैसा था वो बता देता है। दोनों लोग साथ में चलते हैं कि अभी कैमल्स दो लेना होगा और फिर आगे का सफर करना होगा। तो ही सेज कि मैं इस पे नजर बनाए रखूंगा क्योंकि मेरा इतना सारा जिंदगी भर का कमाई इसके पास है ना। तो इस पे नजर बना के रखते हुए वो जा रहा होता है कि उसकी नजर पड़ती है एक बहुत सुंदर तलवार में। सोचता है मैं खजाना वजाना लेके आते वक्त ये खरीदूं, आई बस पूछ लेता हूँ बोल के वो पलटा। दिमाग में आ रहा है कि वो भाग तो नहीं है इतने देर में, मार्केट प्लेस है, भाग सकता है तुरंत से, लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में पता चल गया है कि वो भाग चुका है, हिम्मत नहीं हो रही पलट के देखने के लिए। तो तभी भी जब वो पलट के देखता है थोड़ा सा और बात करके, क्योंकि दिमाग में तो पता चल गया है भाग चुका है, तब उसने देखा कि वो उसकी जिंदगी भर की कमाई लेके भाग गया है। तो अब सैंटियागो के पास ना पैसे है और अपने बैग में देखता है कि कुछ पुराना खाना पीना खा लो, कुछ नहीं है। तब वहां पे कैंडी शॉप सेटअप करने में वो मदद करता है और वो कैंडी शॉप वाला सबसे पहला कैंडी उसे खाने के लिए देता है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसको एक हिल टॉप में एक क्रिस्टल का शॉप मिलता है। फिर वो उस क्रिस्टल के शॉप में पहुंच के शीशे गंदे हो गए साफ साफ कर दूं, तो फिर करके वो साफ अप करने लगता है। तो इस तरीके से बातचीत होने लगता है और वो लड़का कहता है कि ऐसा है कि मेरे को ना जाना है पिरामिड्स में, तो उसके लिए मैं आपके दुकान का एक एक क्रिस्टल चमका दूंगा, दिन भर रात भर काम करूंगा और बदले में आप मुझे कल जो है इतना पैसा दे देना, मेरे को फिर मैं चला जाऊंगा और पिरामिड्स में जाऊंगा। देन द क्रिस्टल शॉप ओनर सेज कि ऐसा है कि अगर तुम पूरा साल भी क्रिस्टल्स चमकाओगे, अगर तुम्हें वहां से कमीशन भी निकाल के दे दो, तब भी जो है वो पैसे काफी नहीं पड़ेंगे। एंड तब सैंटियागो सोचते हैं कि ऐसा है कि अब मुझे जो है पैसे जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि आई नीड मनी टू बाई सम शीप्स, मुझे पैसे चाहिए कुछ शीप्स लेने के लिए दोबारा से भेड़ खरीदने।
और इसके साथ हमारा पार्ट वन बुक का खत्म हो जाता है। इवेंचुअली 11 महीने बाद ही सेंटियागो के पास पैसे जुड़ जाता है और एक सुबह वो जो है कि अब मैं जा रहा हूँ। तब वो क्रिस्टल शॉप के ओनर कहते हैं कि तुमको तो पता ही है कि तुम जो है शीप्स खरीदने तो नहीं जा रहे हो। अब वो बॉय वहां से जो है सब पैसा क्रिस्टल शॉप से लेके आगे अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और अब जहाँ नेक्स्ट लोकेशन जाना है वो है इजिप्ट। तो इस तरीके से कारावान जो है वो आगे बढ़ता है। अब क्या होता है, सेंटियागो अपने जो है आगे बढ़ते रहते हैं और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे उनके दिल से आवाज निकलता है कि एक लोकेशन आएगा जहाँ उनका टीयर ड्रॉप गिरेगा, जहाँ टीयर का ड्रॉप गिरा वही खोदना है, वही ट्रेजर है। तो फाइनली वो टीयर ड्रॉप वाले लोकेशन पे खोदने लग जाते हैं, खोद रहे होते हैं और उनको विश्वास है कि यही खोदते हुए उनको अपना ट्रेजर मिलेगा, वो और मेहनत से खोदते हैं। मीनवाइल उनके आसपास भी कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग जो है इस तरीके से वॉर वाले सिचुएशन के वजह से अब हमें पैसा चाहिए। अब उसका तलाशी लिया जाता है तो सेंटियागो के पास गोल्ड मिलता है और ये खोद क्या रहा है देखो करके जो है उसको खूब पीट देता है कि कहीं वहां पे और सोना तो नहीं है, तो उसको खूब पीट देता है। उसने फाइनली जो है उसका माउथ ऐसे भी ब्लीड कर रहा था, उसने चिल्ला के बोल दिया कि मैं अपना ट्रेजर ढूंढ रहा हूँ जो मुझे सपने में आया था, यहाँ पे ट्रेजर है। तब वो जो मार रहे थे उसका हेड जो है वो बोलता है कि कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है, 2 साल पहले इसी जगह पे मुझे भी एक सपना आया था, मुझे ये रिकरेंट सपना आया, मतलब एक से ज्यादा बार ये सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मुझे ट्रेवल करना चाहिए और जाना चाहिए स्पेन के उन फील्ड्स में जहां एक पुराने चर्च में शेफर्ड्स और जो है शीप्स वो सो रहे हैं, वो सोते हैं और वहां एक पेड़ मिलेगा, उस पेड़ को अगर मैं खोदूंगा उसके जड़ को तो वहां पे है हिडन ट्रेजर, वहां मिलेगा मुझे मेरा हिडन ट्रेजर। पर मैं इतना स्टूपिड थोड़ी हूं कि मैं पूरा डेजर्ट क्रॉस करके अपने सपने के पीछे वहां जाऊंगा, मैं इतना स्टूपिड थोड़ी हूं। तुमको इसीलिए जिंदा रखा है ताकि तुमको पता चले कि किसी को इतना स्टूपिड नहीं होना चाहिए, ये कह के वो वहां से चले गए। और फिर बॉय उठा और उसको खुशी हुई, उसको एहसास हुआ कि जहां से इसने शुरू किया था ना उस हिडन ट्रेजर में वही था ट्रेजर। लाइफ रियली इज गॉर्जियस टू दोज हु परस्यू देयर डेस्टिनी। और इस तरीके से जो है पूरा स्ट्रगल के बाद, 2 बार अपने पैसे खो लेने के बाद, सब कुछ जिंदगी की कमाई खोने के बाद, लास्ट में उसको ट्रेजर वही मिलता है जहां से उसने शुरुआत किया। Dreams are meant to be followed and life is meant to be lived. Thank you everyone. Take care, stay blessed and please consider subscribing to the channel.